लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सहयोगी दलों ने दिखाए अपने तेवर। गाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल नहीं होगा अपना दल। सरकारी कार्यक्रमों में दूरी के बाद दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौटी अनुप्रिया पटेल। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी किया सभी कार्यक्रमों से किराया। राज्यसभा में एक बार फिर अटक सकता है 3 तलाक बिल। सेलेक्ट कमेटी भेजने की मांग को लेकर सदन में अड़ सकता है विपक्ष। 31 दिसंबर को विपक्षी नेताओं की बैठक। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को अभिनेता अनुपम खेर ने बताया अपने जीवन का बेहतरीन प्रदर्शन। कहा फिल्म देखने के बाद खुद चाय पर बुलाएंगे मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब पर बनी है फिल्म। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कानपुर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। घायल बदमाश के पास से कारतूस सहित 1 315 बोर का तमंचा बरामद। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जताई रंजिश की वजह से हत्या की आशंका। गोरखपुर में तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। एक घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में लगाई आग। आगरा में पिछले दिनों एक छात्रा को पेट्रोल से जलाने को लेकर प्रदर्शन। मऊ शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 1 करोड़ मुआवजा दोषी को फांसी देने की मांग की। मऊ में परिवारों ने अपने बच्चे को गायब करने का लगाया आरोप। पुलिस पर घूस की मांग पूरी न होने पर बच्चे को उठाने का आरोप। फतेहपुर के लोधीगंज में झोलाछाप डॉक्टरों का पर्दाफाश। जांच में अस्पताल के संचालक और रिटायर्ड सीएमओ के खिलाफ मुकदमा। पूर्व सांसद और सपा नेता राकेश सचान ने कार्रवाई को बताया गलत। इटावा के पंचावटी गांव की दो बहनों की हत्या में बड़ा खुलासा। हत्या में आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार। खेती और नकदी में हिस्सा मांगने से बौखलाए भाइयों ने दोनों बहनों को उतारा था मौत के घाट। मेरठ में आपस में भिड़े 2 ऑटो चालक। सवारी बिठाने को लेकर आमने सामने दोनों चालक। मारपीट के चलते लंबे जाम से हुई लोगों को परेशानी। दिल्ली में द्वारका स्थित एक शेल्टर होम में मासूम बच्चियों के उत्पीड़न का मामला आया सामने। लड़कियों का आरोप काम न करने के लिए की जाती थी मारपीट। शेल्टर होम के स्टाफ के खिलाफ पॉस्को एक्ट और जेटे एक्ट में दर्ज किया गया मामला। कौशाम्बी में बेसिक शिक्षा सचिव और नोडल अधिकारी ने किया दौरा। सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों से मांगी जानकारी। हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा के खिलाफ कथित जमीन घोटाले मामले में दी जांच की अनुमति। शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने लगाया था वाड्रा की कंपनी पर नियमों को दरकिनार कर घोटाले को अंजाम देने का आरोप। हरिद्वार के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह का दावा, अब रिजेक्ट प्रजाति का खन्ना भी खरीदेगी शुगर मिल। हरिद्वार के लक्सर में बिजली का तार टूटने से हुआ हादसा। हादसे में एक पशु की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। अम्बाला सिटी के नजदीक नेशनल हाईवे 1 पर तेज रफ्तार ट्रॉल ने 2 कारों को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। 4 की हालत गंभीर। घने कोहरे की वजह से हुआ भीषण हादसा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की किसानों से सीधी बात। फोन पर ली कर्ज माफी और धान की फसल की जानकारी। प्रदेश के किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। उन्नाव में उपजिलाधिकारी पूजा अग्निहोत्री ने वृद्ध महिला की फरियाद सुनने की जगह फरमाया आराम। गैर जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं सुनी। आधे घंटे तक रोती रही वृद्धा। संभल में एक युवक को अपनी मजदूरी के पैसे लेना पड़ा भारी। 250 रुपए के लिए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की युवक की हत्या। भारतीय गेंदबाजों के सामने कंगारुओं का सरेंडर। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरे। ऐतिहासिक जीत से भारत 2 विकेट दूर। देश की पहली बिना इंजन की ट्रेन 18 बनी सबसे तेज ट्रेन। 7 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली से पहुंची प्रयागराज। कुंभ के दौरान दिल्ली से प्रयागराज तक दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में। गाजियाबाद में हवा फिर से गंभीर स्तर पर। लोगों को हो रही सांस लेने में परेशानी। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी ने कहा आने वाले दिनों में हो सकता है सुधार।